फॉर्म 47 से भी आगे धांधली का नया तरीकाकार अपनाया जा रहा है। रिकाउंटिंग में आरओ की जानिब से कोई नोटिस नहीं दिया गया। असद कैसर कहते हैं कि कहा गया 20 सीटों को नूली को देना है, असेंबली की इज्जत ही नहीं रही, बंदर बांट जारी है। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ, खुदा से डर नहीं लगता? मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश मत करें, अगर यही रहा तो मुजम्मत नहीं मजाहमत करेंगे। कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन पीटीआई की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं और उसके मुताबिक जो है ना अभी सारा काम जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल को होना है, अगर कानून को फॉलो करना है। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए हैं, तो मैं तो खुदा से भी कोई डरता है? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत भी है? तो कोई भी समझता है कि तुम भी जो ना ये समझोगे कि मैंने कोई इलेक्शन करवाया है? इस असेंबली की तो कोई हम तो एहतजाजन इस असेंबली में है, इसको तो अभी वो रिस्पेक्ट नहीं रही है। जिस तरह जो है ना बंदर बांट की जाती है, जिस तरह ड्रामा किया जा रहा है, हम मुजाहमत की सियासत करेंगे, मुजाहमत नहीं, हम मुजाहमत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।